नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महतो ज्ञान टेक्निकल चैनल 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पावर पॉइंट और OBS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप YouTube पर लाइव किस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो महतो ज्ञान टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आप पावर पॉइंट और OBS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके YouTube पर लाइव किस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा चैनल है, इस पे हम लाइव टीच करेंगे और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा भी कि किस तरह से जो है लाइव शो करता है, ठीक है। तो चलिए हम अपना OBS सॉफ्टवेयर पहले ओपन कर लेते हैं। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में OBS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये हमारा OBS सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और ये हमारा पावर पॉइंट भी ओपन हो रखा है। ये मैंने स्लाइड जो है ये मैंने बना रखा है, देख पा रहे होंगे आप। आपको भी ये जो इस तरह से जो है स्लाइड जो है डिजाइन करना पड़ेगा। ये सभी डिजाइन जो है इसी के अंदर अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे वो डिजाइन यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा। तो जौन सा भी डिजाइन आपको अच्छा लगे उस पे जा करके जो है आप इस PPT को बना सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है क्वेश्चन जो है इसके अंदर टाइप किया गया है, तो आप भी इसी तरह से जो है क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं किस तरह लाइव में पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपने OBS सॉफ्टवेयर में जाना है और देखेंगे कि खुलता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर जो है आपको अपना माइक सेट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो है एक कर्सर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये डेस्कटॉप ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसको जो है पूरा बंद कर दें। यहाँ से लाइव में जो है नहीं सुनाना है तो इसको यहाँ से जो है बंद कर देना है। यहाँ से जो है सिर्फ माइक का और ऑक्स का जो है सिर्फ ऑडियो यहाँ से फुल करके रखना है। यहाँ पे क्लिक करके जो है आपको प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से जो आपका जो माइक है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ से जो आपको प्लस पे क्लिक करना है। अब प्लस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से डिस्प्ले कैप्चर पे जो है आपको क्लिक कर देना है। डिस्प्ले कैप्चर पर क्लिक करते ही जो आपको जो इस तरह से दिखाई देगा इसको यहाँ से सिंपल ओके कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड आपको जैसे अपना फेस शो करना है तो यहाँ से दोबारा से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ से ओके, और यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि हमारा जो है वेबकैम ओपन हो गया है, वो सिंपल यहाँ से ओके कर देना है। और इसको यहाँ रेड वाले जो कॉर्नर पर लगा हुआ है इसको सिंपल ऐसे क्लिक करके जो है एक साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है एडजस्ट हो गया है, इसको यहाँ पर रहने देना है। बस इतना दो चीज़ यहाँ पर लगाना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल में जाना है और यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ से जो है वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और लाइव भी कर सकते हैं। तो लाइव करने के लिए सिंपल गो लाइव पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल के आ जाता है। यहाँ पर आपको टाइटल डाल देना है कि आप किस टॉपिक पर जो लाइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लाइव टेस्ट करके देख रहे हैं तो यहाँ पर लाइव टेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं वीडियो का, यहाँ से आप टाइटल से यहाँ पर जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो आपको थंबनेल अपलोड करना है अपने लाइव के लिए, तो यहाँ से जो है प्लस पे क्लिक करके जो है थंबनेल अपलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो है थंबनेल को अपलोड कर दिया है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है कि ये किड्स के लिए है या नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ से नो कर देंगे और यहाँ से क्रिएट अ स्ट्रीम पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट अ स्ट्रीम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है डैशबोर्ड दोबारा से खुल के आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ से जो एक स्ट्रीम की करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको सिंपल कॉपी करना है और अपने OBS सॉफ्टवेयर में जाना है। OBS सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से जाना है स्ट्रीम में। स्ट्रीम में ऊपर से यहाँ पे आपको YouTube सेलेक्ट कर लेना है, YouTube या YouTube गेमिंग स्लैश करके आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो है आपको उस की को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ से सिंपल ओके कर देना है। यहाँ पे जो है सब कुछ रेडी हो गया। सिंपल हम यहाँ से जैसे ही लाइव स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो जो है स्ट्रीमिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हम सिंपल यहाँ से जैसे स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो है शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखेंगे एक्सलेंट कनेक्शन आ गया है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कुछ शो करना लगेगा प्रीव्यू, तो यहाँ से जो हम जाकर गो लाइव पर क्लिक कर देंगे। और मैं आपको मोबाइल में एक डेमो भी इसमें अभी दिखाऊंगा कि जो है यहाँ पे आप क्या पढ़ा रहे हैं और मोबाइल में क्या चीज़ शो करता है किस तरीके से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसमें जो है डेस्कटॉप कैप्चर पे लगा रखा था, तो अभी हमने अपना पावर पॉइंट ओपन नहीं किया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से गो लाइव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ से गो लाइव हो जाएगा, ये देखेंगे गोइंग लाइव हो रहा है।
यहाँ से देखेंगे कि जो गो लाइव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपना पावर पॉइंट खोलेंगे, हमें वहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। और यहाँ से जो है आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, इसको Fn के साथ में फंक्शन की के साथ में जो है F5 दबाएंगे या सिंपल F5 दबाएंगे तो जो है पूरा फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या काम करना है कि जैसे आप सिंपल यहाँ से जो बोल के टीच कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो चार बटन होते हैं नेविगेशन के लिए, उससे अगर राइट साइड वाला क्लिक करेंगे तो अगला स्लाइड आ जाएगा, और लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे तो जो है पीछे का स्लाइड आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ से नीचे पेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए इस तरह से, तो आपको समझाना किस तरह से समझाना है वो आप समझा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि आपको टच पैड कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो वो सभी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे शो कर रहा होगा, जा करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम दिखा देते हैं कि आपको जो है मोबाइल में किस तरह से ये चीज़ शो कर रहा होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैंने मोबाइल में जो है YouTube चैनल ओपन कर रखा है, और यहाँ पे जो है आपको एक लाइव, यहाँ पे लाइव टेस्ट जो हमने बनाया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस पर हम सिंपल क्लिक करके प्ले करते हैं, और यहाँ से जो है इसका मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने वहाँ पे स्ट्रीम में लगाया था वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे जो है कॉर्नर में हमारा फ़ोटो शो नहीं करता, वो OBS सॉफ्टवेयर के अंदर ही शो करता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइव में जो है आपका फ़ोटो भी शो करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका व्यूअर जो है आप यहाँ से लाइव कमेंट कर सकता है यहाँ पे सिंपल, और इस तरह से जो है आप सिंपल टीच कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टीच कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट कर करके यहाँ पे बढ़ा करके जो है आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इसको क्लोज करना है, यहाँ से यहाँ पे डिस्कार्ड पे क्लिक करना है, क्लोज़ करना है, और आपको जो है OBS सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जाना है, गूगल क्रोम में जहाँ से जो आपने लाइव स्ट्रीम यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से एंड स्ट्रीम पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे ही एंड स्ट्रीम करेंगे यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से डिसमिस पे क्लिक कर देना है, और जो है यहाँ से भी आपको स्ट्रीम जाके स्टॉप कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप YouTube पर जो है लाइव टीच कर सकते हैं। और अगर आप इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे एक दिन पहले इवेंट क्रिएट कर देते हैं कि जो है हम अगले दिन लाइव आने वाले हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, वो ऊपर आई बटन पे शो कर रहा होगा, उसको जाके देख लीजिएगा, आपको जो है सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने जो है YouTube पे कैसे ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उसके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जो है बहुत आसानी से सारे वीडियो दे सकते हैं, 6-7 वीडियो हैं, तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको बहुत आसानी से जो है ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं आप नीचे कमेंट में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।